मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस वीडियो में देखेंगे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप कैसे दिखती है और कैसे काम करता है, इस पे प्रेशर और फ्लो वाल्व कैसे माउंट किया हुआ रहता है। दोस्तों, इस वाल्व को तो VDP भी बोलता है। तो मैं जगदीप और हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो ये जो सिस्टम है इसको VDP ज़्यादा बोला जाता है, ये शब्द ज़्यादा फेमस है, तो मैं भी VDP ही बोलूँगा। तो इसमें देखेंगे जो इनलेट और आउटलेट, तो ये भी एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पंप है और घर में जो पानी की जो मोटर होता है जिसे हम छत पे पानी ले जाते हैं, ये दोनों का एक ही प्रिंसिपल है। लेकिन ये जो है हमको कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड, अलग अलग स्पीड देता है, और ये सब वाल्व की सहायता से होती है, क्योंकि मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ही रोटेट होती है। तो वेरिएबल जो स्पीड होता है ऑयल का, ये वाल्व के सहायता से होता है। इसके बाद वाल्व और मोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, और जब भी मोटर को ऑन किया जाता है तो उसे इनलेट में ऑयल की आ जाती है और आउटलेट से ऑयल बाहर होता है, और एक आउटलेट रहता है जो प्रेशर रिलीफ के लिए रहता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा उसको वापस टैंक में डाल देता है। तो आपको इस वीडियो के विषय में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या डाउट है तो आप इनबॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फ्रंट में जो वाल है जिसमें ब्लू और ग्रीन कलर का वायर है, वो प्रेशर वाल है, और इसके पीछे में जो एक वाल है वो फ्लो का वाल है, और ये जो पाइप देख रहे हैं ये आउटलेट पाइप है, और नीचे में जो पाइप है एक ये इनलेट पाइप है। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।